हेलो एवरीबॉडी, मैं ऋचा सक्रियास माइकल स्माइटी किचन में सबका स्वागत। आज हम घर पर कंडेंस मिल्क या मिल्क मेड बनाएगा। आइए देख लेते कंडेंस मिल्क बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत है। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर भैंस का दूध। यह दूध है फुल क्रीम दूध और इसमें से 1/4 टीस्पून नहीं तो 1 चुटकी बेकिंग सोडा मैंने यूज़ करूँगी। इसका अलावा चीनी, बस ये 3 ही चीज़ चाहिए मिल्क मेड बनाने के लिए। ये दूध का पैकेट काट के दूध में डच्ची में डालने जा रहे हैं। ये दूध में उबालने के लिए रख रहे हैं। दूध उबलने के बाद इसमें हमको चीनी डालना है। चीनी का मेजरमेंट, ये मेजर करने के लिए आपके पास ये वाला कप नहीं है तो आप टेबलस्पून यूज़ कर सकता है, और आपके पास वेइंग स्केल है तो वेइंग स्केल भी यूज़ कर सकता है। मैं ज़्यादातर वेइंग स्केल ही यूज़ करता है। 1 लीटर मिल्क के लिए हमको चाहिए 200 ग्राम शुगर। सो मैं अभी 200 ग्राम शुगर लिएगा। ये प्लेट का वेट है 260 ग्राम। ये 260 ग्राम मैं निकाल देते और अभी 200 ग्राम शुगर लिएगा। शुगर ले लिया। अब ये मिल्क उबालने के लिए हम वेट करेगा। हाई फ्लेम में मैंने दूध उबाल दिया। एक उबाल आ गया। अभी गैस को मीडियम फ्लेम में करके मैं ये चीनी डालने जा रहे। 200 ग्राम चीनी डाल दिया और अभी ये कंटिन्यूसली हमको मिक्स करते रहना है। बीच में ये साइड में जो क्रीम जमता है वो हमको निकालते दूध के अंदर डालना है। अभी इसका क्वांटिटी 500 ml होने के बाद फिर हम मिलेगा। हमारा 25 मिनट हो गया और दूध का क्वांटिटी 1/2 लीटर हो गया। 1 लीटर से 1/2 लीटर हो गया। इसका कंसिस्टेंसी अभी यही है। ये मिल्क मेड का कंसिस्टेंसी थोड़ा से और थिक होने चाहिए और हल्का से और ब्राउन कलर भी आ जाएगा। 15 मिनट के बाद फिर मिलेगा। हमारा मिल्क मेड ऑलमोस्ट बन गया। इसका कलर आ गया, कंसिस्टेंसी भी आ गया। अभी मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी। बेकिंग सोडा डालने के टाइम पर आप लोग ध्यान देना, बेकिंग सोडा का एक्सपायरी सिर्फ बहुत ही कम है। मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद सिर्फ 6 मंथ से इसका शेल्फ़ लाइफ, इसलिए हमेशा बेकिंग सोडा डालने के टाइम पर एक्सपायरी डेट चेक करके डालना। इसमें मैं 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल रहे। अगर बहुत ही ऊपर उबल के आ गया तो मैं गैस ऑफ करूँगी। गैस ऑफ कर रहे, गैस ऑफ किया। थोड़ी देर और मैं मिक्स करूँगी इसको। आप ये बनाने के टाइम पर कभी मीडियम फ्लेम में भी एकदम उबल के ऊपर आने का चांस है, उस टाइम आप लोग सिम में चले जाना, फिर मीडियम में आना। ऐसे गैस रेगुलेट करते आप लोग बनाते रहना। अभी ये ठंडा होने के बाद फिर हम मिलेगा। हमारा मिल्क मेड अच्छा से ठंडा हो गया। अभी हम एक ग्लास बोतल में इसको ट्रांसफ़र करेगा। 1 लीटर दूध से कितना मिल्क मेड बन गया वो भी हम देख लेते। वन लीटर मिल्क से हमारा बन गया 522 ग्राम मिल्क मेड। 500 ग्राम ले चलो,
आधा लीटर मिल्क मेड बन गया। अगर आपके पास मेजरिंग कप और वेइंग स्केल नहीं है तो शुगर 200 ग्राम लेने के लिए आप टेबल स्पून और टीस्पून ले सकता है। 13 टेबल स्पून शुगर लेना, इसका अलावा और एक टीस्पून शुगर लेना। एक टेबल स्पून होता है 15 ग्राम और एक टीस्पून होता है 5 ग्राम। सो हमारा बन गया 200 ग्राम, हमारा मिल्क मेड बन गया। ये मिल्क मेड काफ़ी सारा स्वीटनिश बनाने में यूज़ करता है, आइसक्रीम बनाने में यूज़ करता है और वेजिटेरियन केक बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और बच्चा लोग ब्रेड के साथ, ब्रेड का ऊपर बटर के जगह में मिल्क मेड लगा के खाने में बहुत पसंद करता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। और एक वीडियो के साथ मैं फिर आ जाऊँगी, तब तक के लिए अलविदा।